हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी योर ब्रदर दानिश। सारे भाई बढ़िया हो गए? मैं भी बढ़िया हूँ। आप कैसे सर जी? बढ़िया एकदम बढ़िया एकदम बढ़िया। क्या करने वाले आज हम? आज हम भाई नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, चार क्लच पेट में है, पांच करने जा रहे हैं। मतलब जो स्टॉक कटोरा होता है चार क्लच पेट वाला, हाँ, उसको आप जो है एक्सटेंड करके उसमें पांच क्लच पेट ऐड करने वाले हैं। हाँ, स्टॉक स्टॉक रहेगा। अच्छा, जब मर्जी निकालो जब मर्जी डालो। अच्छा, कोई नुकसान? कोई नुकसान नहीं। फायदे क्या क्या है ये बताओ? फायदा ये है कि जो आपकी पावर लॉस होती है ना थर्ड और फोर्थ में, हाँ जी, वो नहीं मिलेगी आपको। अच्छा, मतलब पावर एनहेंस होने वाली है। इनिशियल पंच अच्छा होने वाला है। इनिशियल पंच फर्स्ट और सेकंड में तो मिलता ही मिलता है, हाँ जी, वो और ज्यादा मिलेगा बिल्कुल। लेकिन जो थर्ड और फोर्थ में पावर लॉस मारती है गाड़ी, हाँ, वो आपकी सही रहेगी। क्या बात है। तो भाई ये जो है ना टेक्नोलॉजी, ये जो हम डाल रहे हैं इसके अंदर, जो इसके अंदर एड ऑन कर रहे हैं, यूट्यूब की हिस्ट्री में किसी पे भी नहीं मिलने वाली है आपको। कहीं भी आप खंगोल लेना, कोई वीडियो नहीं मिलने वाली आपको इस टॉपिक के ऊपर। हम लेके आए आप लोगों के लिए, इसके लिए पहला हो रहा है, पहला हो रहा है। मतलब अपने चैनल पे लगा लो और अपनी बाइक जो है खुशी देख सकते हैं। पहले इतनी अग्रेसिव है, जो खतरनाक व्हीली पंप होती है, बंदे मुझसे बोलते हैं भाई क्या खिलाते हैं, क्या बताते हैं, गाड़ी खड़ी हो जाएगी, अब और ज्यादा हो जाएगी, अब और हो जाएगी, मतलब पागल हो जाएगी, मतलब आसानी से होगी और बढ़िया होगी, बढ़िया होगी जो बात है। बाकी पावर परफॉर्मेंस जो है आने वाली वीडियो में टेस्ट करेंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करनी पड़ेगी। और ये वाली वीडियो में कितना एक्साइटेड हो कि भाई हम क्या करने वाले, वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ। ट्रांसपेरेंसी पूरी रहेगी, सामान कौन सा डल रहा है, कैसा डल रहा है, सब कुछ आपको दिखाने वाला हूँ। इंस्टॉलेशन दिखाने वाला हूँ, जो सामान इसमें निकल रहा है, क्लच प्लेटों की हालत है अभी, वो मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी आपने इससे पहले वाले मोटर व्लॉग देखेंगे, उसमें बाइक हमारी पंप मारती है, मतलब व्हीली मारती है, कोई दिक्कत नहीं। अभी भी पिकअप अच्छा चल रहा है। पिकअप अच्छा ना, इससे मतलब आपको बहुत ज्यादा एडवांस मिलेगा। अच्छा, आपको खुद महसूस होगा कि हाँ पावर कितनी आ रही है। चलो सही है। तो भाई फटाफट से जो है वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर सब्सक्राइब कर दो, और बाकी जो एड्रेस है हमारी दुकान का जो रहने वाला है ओखला फेस टू में रहने वाला है, एक बार थोड़ा सा आप बता दो सर जी। ओखला फेस टू में है भाई, बिल्कुल मधुर बजाज के सामने। ठीक है, मोबाइल नंबर बता दो। 9891434348। ठीक है भाई, नंबर सर जी ने अपनी मुंह जुबानी बता दिया, बाकी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओखला फेस टू दिल्ली के अंदर मधुर बजाज के जस्ट ऑपोजिट जो है शॉप रहने वाली है, ऑन रोड है। ठीक है ना, बाकी आपका प्यार और सहयोग चाहिए मुझे, मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करता हूँ कमल उत्ता जी, फटाफट से यहाँ पे जो है काम कराएं। डजन मैटर सर्विस हो या इंजन का काम कराओ, सारा काम यहाँ पे होता है। चाहे आपकी गाड़ी लिक्विड कूल हो, चाहे आपकी एयर कूल हो, चाहे आपकी गाड़ी ऑयल कूल हो, इवन आप यामाहा जो है RX 100 135 या RX 350, वो भी आप करा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सारे मतलब ऑलराउंडर है बेसिकली ये, तो एक बार जो है सेवा का मौका जरूर दो। मैं बात इतनी करूंगा, उतनी वीडियो लंबी होगी, तो फटाफट से काम को देता है अंजाम। ठीक है, स्टे ट्यून्ड भाई। तो उस्ताद जी सामान दिखाओ, क्या क्या डालने वाले हो आप गाड़ी के अंदर, क्या आपने करा है, क्या नया निकाला है जो आज तक किसी ने नहीं करा। पहले तो ये क्या है? पहले ये हमारा स्प्लेंडर का कटोरा है। स्प्लेंडर का कटोरा है जो ओरिजिनल है, हाँ, जेन्युइन है। जेन्युइन, ठीक है। एक तो ये इसमें इसमें कोई वो नहीं है, ओरिजिनल पंचिंग है, सब कुछ ओरिजिनल है गाइस। जो कोई पंचिंग वंचिंग देख लो, बिल्कुल ओरिजिनल रहने वाली है, कुछ भी रिपेयर नहीं है, कुछ भी रिपेयर नहीं है। ठीक है, जिसको करते साइड में, आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? ये है हमारी पांच क्लच पेट है, 1 2 3 4 5। क्या बात है भाई, देखो मैंने वीडियो देखी है ना, उसमें लोगों ने भाई चार दिखाई उस्ताद जी, ये चार क्लच पेट डाल रहे हैं, टीवी से पाछी डाल रहे हैं, इसके डाल रहे हैं, उसके डाल रहे हैं, बट ये नहीं दिखाया गया। ये प्लेटें देखो, ये हीरो जेन्युइन है। ठीक है, तो ये ओरिजिनल जो है बैजिंग मिल जाती है आपको। हाँ, ये अच्छा, इससे मतलब नहीं, नंबर से खाली इससे मतलब है। नहीं, ये भी होता है, ये भी होता है, कोड होता है, बट ये जो हीरो डार्क लिखा होता है ना, हाँ, वो लोकल प्लेटें होती है। अच्छा, जो ये क्लियर बिल्कुल लिखा होगा ना, ये ओरिजिनल प्लेटें होती है, इसकी पहचान होती है। देखो भाई एक बार और, बिल्कुल बारीक में जो लिखी होती है ना, क्लियर वर्डिंग में, ये हीरो की ओरिजिनल है। हीरो डार्क पंच होगा ना, मोटा पंच होगा, वो लोकल होती है, समझ जाओ भाई। तो ये आज की वीडियो में बहुत बड़ी टिप दे दी उस्ताद जी ने, काफी सारे लोग देखो, ना ये हमारा कटा हुआ है जी, ना ये हमारा कटा हुआ। ठीक है भाई, देख लो, ये भी स्टॉक है, ये भी स्टॉक है, तो मतलब कुछ भी इनमें छेड़ा नहीं है आपने। पांच किलो फिर भी लगी, कैसे लगी उस्ताद जी, हाउ इज इट पॉसिबल? यही पॉसिबल है बस। तो देख सकते हैं, इसमें हमने कुछ भी नहीं करना, मतलब जब भी हम निकालेंगे सेम टू सेम एज इट इज फिट करेंगे। अच्छा, मतलब आप बोल रहे हो फ्यूचर में, मान लो ये क्लच पेट है मेरी गंदी बाइक चलानी वजह से जल जाती कई बार, तो भी ये हाँ, स्टॉक निकलेंगे, स्टॉक डल जाएंगे। अच्छा, मतलब इसमें इसका कोई रोल नहीं, इसी का रोल रहेगा। हाँ, पांच प्लेटें लेंगे हमेशा, पांच प्लेट ले लेंगे। सही है, सही है, सही है उस्ताद जी, और बाकी इसमें कुछ नहीं करना। हाँ, चलो ठीक है जी, इधर आ जाओ जी। अभी मैं ये उस्ताद जी को जो है खोलने दो, तो उस्ताद जी जब ये खोल लेंगे ना, खोलने के बाद मैं अंदर की जो प्लेटें निकलेंगी वो बताऊंगा, वो दिखाऊंगा कि भाई वो प्लेटें मेरी किस हालत में निकली हैं। फिलहाल खुशी है, लुक एक नंबर रहने वाला है। अभी जो इसकी करंट जो कंडीशन है ना क्लच की, मैं आपको बता दूँ, उसमें अच्छी खासी वीली लग रही है, अच्छा खासा पिकअप दिखने में मिल रहा है मुझे। लेकिन मुद्दा यही है कि गाड़ी की ना अब हमें पावर और बढ़वानी थी, तो इस वजह से मैंने इनको बोला हुआ था, उन्होंने आज रेडी कर दिया हमारे लिए। तो फटाफट जो है ना काम को अंजाम देते हैं और मिलते हैं आपसे आगे, आप म्यूजिक इन्जॉय करो।
दिक्कत होगी? कंडीशन ठीक है अभी। कंडीशन ठीक है हाँ। चलो सही है। फिलहाल ये जो है हमारी चार किलोमीटर निकली इसमें से हाँ, चार है इसमें। ठीक है, लो एक बार मैं दिखा भी देता हूँ दोस्तों। अब जो डलेंगी वो पाँच है। तो गाइस यहाँ चेक करो आप, इसमें चार किलोमीटर देख सकते हैं आप, तीन आगे और एक गेरी है ना, टोटल चार है, आप काउंट कर सकते हो। ये हमने निकाल के रख दिए हैं साइड में। ठीक है, कंडीशन इसकी ठीक है जैसे कि मैंने आपको बताया था। और बाकी अभी जो है वहाँ पर रखी हमारी पाँच वाली, तो वो लगाने वाली इसके अंदर। उस्ताद जी ये बैठ गया सही तरीके से एकदम? ओके बिल्कुल। चलो ये चेक कर लेते हैं क्लोजअप में आगे। तो गाइस यहाँ देख सकते हैं पांच किलोमीटर, आप काउंट कर लो पहले यहाँ पे। उस्ताद जी उंगली से गिनवाओ जरा, ये देखो वन हाँ, टू हाँ, थ्री हाँ, फोर हाँ, फाइव। देख लो भाई उस्ताद जी ने इंग्लिश में समझा दिया आप लोगों को, ठीक है ना, प्रॉपर घूम रहा है, स्मूथ घूम रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो है फटाफट से इसको करेंगे असेंबल। असेंबल करने में कोई दिक्कत नहीं है कि जैसे प्यार से खुला है ऐसे प्यार से यहाँ पे साफ साफ करके लगाते जा रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पांच लट प्लेट इसमें लग गई हैं, कोई वो नहीं है कि दिखाया कुछ और बताया कुछ, ठीक है ना। तो सीन जो है आपको बताया जो हमने कि भाई पांच डाल रहे हैं तो पांच में डाल रहे हैं, प्रॉपर यहाँ टाइट हो चुका है, देख सकते हैं आप। हमारा अब सेंटर हो गया, जो क्लच कंट्रोल हो गया, सब चीज़ जो है जेन्युइन रहने वाली है, कोई भी किसी और बाइक की नहीं है, हीरो की रहने वाली है सारी कुछ, है ना सर, ये चीज़ है ना सब कुछ। तो गाइस यहाँ पर जो है ना पाँच लट प्लेट इंस्टॉल हो चुकी है, देख सकते हैं चार एक तरफ लगी हुई एक साथ, पाँच भी एक लगी हुई अलग, मतलब कि चार यहाँ लगा दी, एक यहाँ लगा दी। कंपनी से भी उस्ताद जी ऐसी लग के आती है क्या? हाँ है, कंपनी से तीन ऐसे आएंगी और एक ऐसी आती है अलग। अच्छा, मतलब तीन यहाँ पे आएंगी और एक ऐसे आएगी। हाँ, आप साथ में भी डाल दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लगा दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा, चलो ये चीज उस्ताद जी ने क्लियर कर दी कि भाई देख सकते हैं आप चार। टेक्निकली तो काम तो क्लच प्लेटों ने ही करना है। हाँ, वो तो है, ऐसा नहीं है कि जैसे करेगी उधर से। क्या ना जनता जनार्दन ने कई बार बोलती है कि भाई चार एक तरफ होनी चाहिए थी और पांच एक तरफ होनी चाहिए थी। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं ना। ये क्या कर रहे हो, क्लीनिंग कर रहे हो? क्लीनिंग कर रहा हूं। ये क्या चीज होती है उस्ताद जी? ये इसका क्लच का रोटर है ना, रोटर ब्लेड है ना, इसमें इसमें थोड़ा बहुत गंदा आ जाता है। अच्छा अच्छा, तो साफ करना बहुत जरूरी है। चलो सही है सही है। तो भाई देख सकते हैं आप जो है ना यहाँ पे पूरा क्लीन कर दिया यहाँ पे क्लच, ठीक है ना, इसको सेट कर रहे हैं यहाँ पे, और बस 15 से 20 मिनट में हम निकल जाएंगे यहाँ से गाड़ी लेके अपनी। ये देख सकते हैं रोटर एकदम साफ चमका दिया, जो बात है, ठीक है ना, नोई चिपक भी गया। ये मैग्नेट होता है क्या इसके अंदर? नहीं नहीं, वो बैट तो थोड़ा टाइट है। अच्छा, बैट तो टाइट है, इसमें ऑयल से गंद ना निकलेगा। इसी के अंदर क्रैंक ऑयल जाता है यहाँ से, क्रैंक के अंदर क्लच कवर से ऑयल आएगा, इसके अंदर जाएगा, फिर वो क्रैंक के अंदर जाएगा, वो पिस्टन पे फेंकेगा। ओके, तो ऐसे सर्कुलेट होता रहता है। हाँ। सही है भाई, देखो इतनी इतनी नॉलेज मुझे भी नहीं है, मतलब मैं भी इनसे उस ताजी ले लेके नॉलेज में आप लोगों को बांटता रहता हूँ, बट यहाँ पे आप आओगे तो आप भी सीखोगे, गाड़ी को चलाना ही नहीं होता, गाड़ी को समझना भी होता है। तो नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में आ रहा है, कॉल कर लेना कोई भी आपको काम कराना हो, जरूरी नहीं कि यही काम करो, और भी 10 काम होते हैं कराने के लिए, परफॉर्मेंस चाहिए, फील्डर का काम करते हो। तो ये चीज़ अब बताओ बताओ मुझे यार, ये वाला जो काम मैं करवा रहा हूँ, चलो मैं तो राइड पे जाता हूँ, थोड़ा सा तेज चलाता हूँ बाइक को, ये कौन कौन बंदे हैं जो मतलब फील्ड वाले बंदे हैं, किसको काम कराना चाहिए खासकर ये क्लच वाला जो मैं करा रहा हूँ? भाई देखो, जिसको बाइक अच्छी चलानी है हाँ, वो सारे बंदे करा सकते हैं, और जो चलता ही 40 में है ये उसके मतलब का नहीं है। अच्छा, उसे उसे कोई फायदा नहीं, वेस्ट हाँ, उसके लिए वेस्ट ऑफ मनी। सही है, जिसने चलना है 50, 60, 70, 80 चलाना है, उसे थोड़ा ये है कि रोड खुली है तो कभी भगाने शौक है, उस बंदे को कराने का ही फायदा। अच्छा अच्छा, एक बात हो, जैसे अभी मेरी करंट कंडीशन में मेरी गाड़ी 100 जा रही थी, 95-100 चली जाती थी, ठीक है, अभी जो है 95-100 ही जाएगी, बस ये थोड़ा जल्दी जाएगी। हाँ, टाइमिंग पे जाएगी बस। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि 110 से 110 हो जाएगी या 100 चली जाएगी, ऐसा नहीं है। फ्यूचर में तुम कुछ ऐसा कर दिखाओगे गाड़ी 110 चली जाए? वही, उसी पे काम चल रहा है अभी, 110 वाली पे काम चल रहा है। वीडियो एंड होने पे झलक दिखा दोगे? उसका अभी है ही नहीं ना झलक दिखाने के लिए कुछ। हाँ, वो जब हो जाएगा तैयार तो सीधा सीधा दिखाएंगे गाड़ी में लगा के, और स्पीड भी चेक कराएंगे। चलो, तो एक काम करेंगे तुम, वो अपनी गाड़ी में करोगे ना पहले तो? हाँ, वो अपनी गाड़ी में करूंगा। चलो पहले वो अपनी गाड़ी में करेंगे, फिर मैं इससे और उसकी रेस लगाएंगे, ड्रैग रेस देखेंगे, अगर ये हार गई तो समझ जाएंगे भाई वो ओके है भाई, ये है भाई। हाँ चलो ठीक है, वो जाएगी 110 जाएगी, उस पर काम चल रहा है मेरा। चलो, वो मतलब वो सेफ रहेगी ना गाड़ी? हाँ, कराने वाले तो नहीं, जब जैसे स्टॉक गाड़ी है ना। हाँ, वो भी स्टॉक ही रहेगी। हाँ, कुछ नहीं है उसमें ऐसा। हाँ, बस थोड़ी थोड़ी चीजें चेंज करनी पड़ती हैं जिससे टॉप स्पीड बढ़े। चलो सही है। हाँ, अब टॉप स्पीड बढ़ाने के लिए ये काम करना सबसे पहले जरूरी है, वरना गाड़ी मर जाती है। ये वाला काम करना जरूरी है। हाँ, तो अब जो है मैं ये वाला चला के देखूंगा, फर्क अपना महसूस हो जाएगा आपको, अभी पता लग जाएगा जब आप पहला गेयर डाल के चलाओगे ना, तभी पता लग जाएगा। तो आप देख रहे हो उस्ताद जी इतने कॉन्फिडेंट के साथ बोल रहे हैं कि आप पहला गेयर जब डालोगे तभी आपको पता चल जाएगा, तो ये बहुत अच्छी बात है, काफी कॉन्फिडेंट जो है उस्ताद जी के पास इस टाइम पे है भाई कि ये काम कर रहे हैं। और बाकी मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि गाड़ी का क्लच कवर लगे, इंजन ऑयल डले,
और फिर मैं भाई कुछ दौड़ा के देखूँ कि भाई वाकई में चल कैसी रही है। इसमें कोई वो तो नहीं है ना कि मतलब कि 500 किलोमीटर चलाओ या वो, तो खाली पिस्टन में होता है ना। क्लच में तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी रमा है आपकी पहले से ही, कोई दिक्कत नहीं है, खाली क्लच में डलवाओ और काम चलाओ, ठीक है ना। फिलहाल जो है इसको पैक होने दो, फिर मिलते हैं आपसे आगे। तो भाई यहाँ पर जो है ना हमारा इंजन हमारा क्लच कवर है वो लगा दिया है, अभी क्या फुटरेस लग रहा है, उसके बाद एग्जॉस्ट लगेगा। यहाँ पे जो है हमारा ऑयल का जो ड्रेनिंग वाला जो बोल्ट होता है वो सारी टाइट कर रहे हैं। फिलहाल अगर बात करें आज इंजन ऑयल की, तो आज इसके अंदर वैसे तो आप जब से ये बाइक ली है हमने मोटर डलवाते हैं, बट आज जो है ना भाई हमने काम कराया ऐसा जो यूट्यूब पे फर्स्ट वीडियो जा रही है वाली, तो मैं चाहता हूँ कि इस बार कुछ काम अलग करवाया तो अलग ही ऑयल डलवाएं। तो उस्ताद जी की रिकमेंडेशन पे भाई मैं यूज़ करने वाला हूँ शेल एडवांस, ये देख सकते हैं भाई शेल एडवांस रहने वाला है, और ये जो है फुल्ली सिंथेटिक रहने वाला है, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसकी ग्रेड है 10W40। तो मतलब कि ये डलवा रहा हूँ मैं इस बाइक के अंदर ऑयल, और देखो क्लच में जो हमने काम कराया उसका फीडबैक और जो इंजन ऑयल है इसका फीडबैक ये मिलेगा आपको आने वाली वीडियोज़ में मेरी। फिलहाल आज मोटर से स्विच कर रहे हैं इसके अंदर, अगर MRP की बात करूँ तो यहाँ देख सकते हैं हम 871 की इसकी MRP रहने वाली है। बाकी एग्जैक्ट इसकी जो कीमत रहने वाली है वो तो मुझे नहीं पता, वो सदी बताएंगे, बट स्टिल मैं बात करूँ यहाँ पर तो पूरी 1 लीटर की पैकेजिंग में आता है, 900 ml में नहीं आता। उस्ताद जी ये 900 ml में आता है या फिर नहीं? नहीं, लीटर में ही है। लीटर में आता है, क्या कॉस्ट रहने वाली है हमारे भाइयों के लिए? ये भाई 770 का पड़ेगा, 770 रुपये का पड़ेगा हमारे भाइयों को ये वाला है, और इसकी जो MRP है वो 871 रुपये है, मतलब ऑलमोस्ट 100 रुपये कम हो रहे हैं लेस करके। तो ये इधर आओ पहले आप, ये जो मोटुल जो आपने मुझे बोला कि भाई ये शेल वाला डालो, मोटुल से बेटर क्यों मतलब बोल रहे हो, क्या बात? मोटुल से बहुत अच्छा है ये, क्यों मतलब बताओ? इसके ग्रेड इसकी लाइफ अच्छी है मोटुल से, जो मोटुल में हम निकालते हैं ना 3-4 हज़ार किलोमीटर चला हुआ, और उसके बाद हमने जितना भी शेल का ऑयल निकाला है उसकी ग्रेविटी में फर्क है हमारे। अच्छा, मतलब आप ही बोल रहे हो कि उसकी ग्रेविटी उसी ग्रेविटी में चलने के बाद, हाँ, तो भी इसकी ग्रेविटी अच्छी रहती है मोटुल से आपके हिसाब से, मतलब जो मोटुल में मान लो 4 हज़ार किलोमीटर चलाई बाइक, ठीक है, और इसको अगर 4 हज़ार किलोमीटर चलाओगे दोनों को अलग अलग डब्बे में निकाल लो, इसकी ग्रेविटी 4 हज़ार किलोमीटर चलने के बाद भी आपको अच्छी मिलेगी, अच्छी मिलेगी, मतलब इसकी लाइफ ज्यादा। और फिर उसका जो कलर है उसका कलर जो है इंजन के जो पार्ट पे चढ़ता है वो, अगर आप ज्यादा किलोमीटर चलाते हो तो इंजन के पार्ट पे उसका कलर चढ़ता है, इसका नहीं चढ़ता है। अच्छा, इसका नहीं चढ़ता, इसका नहीं चढ़ता, ये फायदा है। बाकी इसकी लाइफ ज्यादा है, मतलब हाँ इसकी लाइफ ज्यादा है, सही है। तो आप ये बोलते हो कि मोटर तेल भी अच्छा है, ठीक है, ये नहीं कहता कि मोटर खराब है, मोटर अपनी जगह सही है, ये अपनी जगह सही है, मतलब ये मोटर से थोड़ा सा बेटर हो जाता है। हाँ, तो भाई यहाँ देखो आप इंजन ऑयल की कलर देख लो पहले आप, प्योर गोल्डन टाइप कलर रहने वाला है, और कलर भी चेंज नहीं होगा इसका, उस्ताद जी बता रहे इतनी जल्दी, और प्लस जो है इंजन पे जो कालापन आता है वो भी नहीं आएगा, ठीक है ना। और अभी जो है फिलहाल हम इसके अंदर डलवा रहे हैं 1 लीटर, पूरा 1 लीटर डलवा रहे हो ना चाय की शीशी सर, पूरा 1 लीटर, सही है, पूरा 1 लीटर। इससे कोई नुकसान? बैटर मिलेगा उल्टा। अच्छा, तो भाई बैटर बता रहे हैं, फिलहाल हम डलवा रहे हैं, इनकी रिकमेंडेशन पे काम हो रहा है सारा, ये वहाँ का नंबर नहीं है मेरे पास भाई, बताओ गूगल पे उन्हें बोलो सिंगला हीरो सर्विस सेंटर का नंबर निकाल ले गूगल का, आपको अपनी आने वाली वीडियोस बताएंगे भाई परफॉर्मेंस कैसी, क्योंकि परफॉर्मेंस नंबर भी निकल जाएगा बाद में हो जाएगी, चलती कैसी कैसी नहीं वो देखते हैं आगे, उन्हें बोला अगर वो है चल कैसी रही है। फिलहाल तो तुम्हारे को बेटा ये टूल उठा, ये तुम्हारे यहाँ से पटरी से उतारना भारी पड़ जाएगा, फिलहाल लुक देखो भाई, एक तो हवाई जहाज है पूरा, हवाई जहाज है पूरा, चलो जी वो भाई भी देख रहे हैं क्या सीन है, सही लग रही है भाई चलो जी थोड़ा ऑयल चढ़ने देना है ना, क्या बात है भाई, शॉकर तो सही काम कर रहे हैं इसके, है ना, बस खाली ना इसे अभी कौन सेट वन सेट हो थोड़ा, ये बोल्ट वोल्ट ले लेना थोड़ी ना, गड्ढों में कच 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 आवाज कर रही राइट से आने के बाद से, सही है, आराम से आराम से लाइट देखो कितनी लग रही है, हाँ ले लो ले लो एक बार देख के आओ। तो भाई लेते हैं खुशी की ट्राई, देखते हैं पहले गेयर में हाई पिकअप तो आ रहा है, उठ रही है भाई काफी, उठ रही है पिकअप बहुत आ रहा है, मेरे को डर लग रहा है इससे, ले क्या तो ट्राई माइक है पिकअप बहुत तगड़ा भाई, हवा बात कर रही है, डर लग रहा है भाई मुझे, सही बता रहा हूँ इससे डर लग रहा है, बहुत सही पिकअप बन गया इसका, बाकी जो है आप जिसमें काम कराओगे अपनी बाइक के तब आपको इसमें जो होगा कि भाई इसमें क्या पिकअप आया है।
तो गाइस इसी नोट पे वीडियो को मैं एंड करता हूँ। अच्छी लगे वीडियो जरूर लाइक करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना। बाकी इसका जो है मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा भाई कैसी चल रही है भाई कैसी नहीं। फिलहाल ये वाली वीडियो में एंड करता हूँ। मिलते हैं इस वीडियो में। टिल देन बाय बाय। आई लव यू ऑल। राइड हार्ट, राइड सेफ। बड़ों की इज्जत करो, खुश रहो। बाय बाय।